रुको, क्या ये गोकू जैसा बच्चा है? और वह साइबरपंक जैसी दिखने वाली दुनिया में क्यों लड़ रहा है? बने रहिए, क्योंकि ये सीजन बिल्कुल वाइल्ड है और ये तो बस शुरुआत है। असैसिन मेड्स से लेकर ट्रेजर हंटर्स तक जो बस रिटायर होना चाहते हैं, फॉल 2024 हर जेनर को एक ब्लेंडर में डाल रहा है और मैं इसे बताने के लिए ही यहां हूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस सीजन के लिए आप किस शो के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि मेरा विश्वास करें, इस वीडियो के अंत तक आपका जवाब बदल सकता है। साथ ही मैंने इस वीडियो में 3 एनिमे रेफरेंसेस छिपाए हैं। तीनों को पहचानने वाले पहले व्यूअर को अगले वीडियो में स्पेशल शाउट आउट दिया जाएगा। मीना, जुम्बी वही का? अब आइए उन शो से शुरुआत करते हैं जिन्होंने मुझे रियलिटी पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया था। इमेजिन कीजिए कि आप इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एलियंस या गोस्ट्स असली हैं या नहीं, और तभी यूनिवर्स ये कहता है कि दोनों ही क्यों नहीं। असल में यही दंडदान है, लेकिन यह और भी बेहतर हो जाता है। इस शो को खास बनाने वाली बात सिर्फ इसकी कहानी नहीं है, इसके मेन कैरेक्टर्स मोमो अयासे और हमारा एलियन ऑब्सेस्ड लड़का ऐसी केमिस्ट्री रखते हैं जो हर इंटरैक्शन को प्योर गोल्ड जैसा बना देती है। हम सुपरनैचुरल थ्रेट्स से लड़ते हुए बेहतरीन मजाक की बात कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे एक्स फाइल्स और गोस्ट बस्टर्स का बच्चा हुआ हो और उस बच्चे का ध्यान एनिमे ने रखा है। जो चीज इस एनिमे को खास बनाती है वो इसका एनिमेशन है। स्टूडियो साइंस सारू ने इस साल मैंने जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस देखे हैं उनमें से कुछ सबसे बेहतरीन को दिखाया है। दूसरे एपिसोड में एक सीन है, दरअसल इसमें अभी कोई स्पॉइलर तो नहीं है, लेकिन इसे देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, और इसका एनिमेशन वास्तव में जानता है कि कैसे एराइज करना है। और अब कुछ जॉ ड्रॉपिंग एनिमे की बात करते हैं। री जीरो वापस आ गया है और इसने वायलेंस को चुना है। सीजन 3 की शुरुआत यकीनन सीरीज के सबसे दमदार ओपनिंग एपिसोड से होती है और यह कुछ अलग ही है। याद है सीजन 1 और 2 कितने डार्क थे? खैर, आप तैयार हो जाइए क्योंकि यह सीजन काफी इंटेंस है। नए एनिमीज भयानक है, एनिमेशन शानदार है, और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा रिच है, यानी एकदम क्लासिक री जीरो। लेकिन यहां वह है जो आप शायद नहीं जानते होंगे। स्टूडियो ने वास्तव में ओपनिंग सीक्वेंस में फ्यूचर के प्लॉट ट्विस्ट्स के बारे में कई क्लूज छिपाए हैं। मैं उनमें से 3 को बाद में वीडियो में दिखाऊंगी, इसलिए देखने के लिए बने रहिए। याद है जब हम सभी ने सोचा था कि ड्रैगन बॉल अब हमें सरप्राइज नहीं कर सकता? लेकिन 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 ये बदल चुका है। ड्रैगन बॉल दाइमा सिर्फ एक और पावर स्केलिंग एडवेंचर नहीं है, यह हमें कुछ ऐसा दे रहा है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि हम चाहते हैं। हमारा गोकू वापस आ गया है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसी आपने उम्मीद की थी। इसका एनिमेशन मैपा लेवल्स जैसा क्लीन है, और नए कैरेक्टर्स ग्लोरियो और पैंजी वास्तव में ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में कुछ इंटरेस्टिंग लाते हैं। मुझे पता है ये जानकार मैं भी चौंक गई थी, लेकिन यहां असली किकर है। यह सीरीज वास्तव में ओरिजिनल ड्रैगन बॉल से पॉइंट्स को जोड़ रही है जो कुछ दशकों से रुके हुए हैं, क्योंकि तोरियामा ने इस पूरे समय इन सभी चीजों को बारीकी से मैनेज किया था। वाओ! और अब हम लॉन्ग अवेटेड रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। ब्लीच का रिवाइवल जारी है और यह पहले से कहीं बेहतर है। याद है जब हम एनिमे की पेसिंग के बारे में कंप्लेन करते थे? वे दिन चले गए हैं। स्टूडियो पेरो इस शो के साथ अपने अंदर के बंकाई को बैलेंस कर रहा है। इस कोर में एनिमेशन पिछले वाले को स्केचेस जैसा दिखाता है। इसका एक फाइट सीन ऐसा है जिसने मुझे सभी डिटेल्स को पकड़ने के लिए 5 बार रिवाइंड करने पर मजबूर किया था, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में एक टाइम स्टैम्प डाल दूंगी।
नानी का ओकिता एक असैसिन मेड बन जाती है। ये एक और जेनेरिक एनिमे की तरह लगता है ना? बिल्कुल गलत। यह शो वास्तव में वैसा ही है जैसे जॉन विक ने हाउसकीपिंग सीखने का फैसला किया हो, लेकिन यह एकदम मजेदार है। उसकी टेक्निक किसी स्पाई की एलिगेंट फैमिली रूटीन की तरह सटीक है। इसका बेस्ट पार्ट, यह शो वास्तव में कॉमेडी को समझता है। यह सिर्फ हाँ हाँ वह सफाई करने में बुरी है जैसा नहीं है, बल्कि यह एक प्रोफेशनल किलर को घर के कामों में असैसिनेशन टेक्निक्स लागू करते हुए देखना है। आखिरकार एक इसेकाई प्रोटैगोनिस्ट जो वास्तव में रिलेटेबल है। हमारा लड़का क्राई बस रिटायर होना चाहता है, और शायद हम भी। जहां हर कोई सबसे स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है, यह आदमी मुसीबत से बचने की कला में महारत हासिल कर रहा है। Hey, that's pretty good. शो वास्तव में टिपिकल फैंटेसी ट्रोप्स को पलटने के बारे में भी काफी अच्छा है। साथ ही भागने के सीन्स के दौरान एनिमेशन एकदम सकूगा जैसा लगता है। ठीक है, हमें ब्लू लॉक के दूसरे सीजन के बारे में बात करने की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि कहानी अभी भी शानदार है, और बुरी खबर इसका एनिमेशन। लेकिन आपको इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस सीजन में कैरेक्टर डेवलपमेंट वास्तव में नेक्स्ट लेवल का है। साथ ही वे एडिशनल टाइम पोस्ट क्रेडिट सीन्स बिल्कुल प्योर गोल्ड है। बस इसकी तुलना सीधे पहले सीजन के एनिमेशन से न करें। It was perfect. Perfect. Everything. ताइकी-कुन नारा, दाइजोबु दायो? ब्लू बॉक्स साबित कर रहा है कि आप किसी भी एलिमेंट को जबरदस्ती महसूस किए बिना स्पोर्ट्स रोमांस एनिमे बना सकते हैं। बैडमिंटन के सीन्स वास्तव में अच्छी तरह से सेट किए गए हैं, जिसमें ऐसी टेक्निक्स अपनाई गई हैं जो शिबुया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स को भी टक्कर दे सकती हैं। और रोमांस आपको टीवी पर अपना रिमोट फेंकने के लिए बिल्कुल मजबूर नहीं करता है। इसके अलावा शो स्पोर्ट्स मैचेस और रिलेशनशिप डेवलपमेंट के बीच पैरेलल स्टोरी टेलिंग के साथ ऐसा काम करता है जो आपको ये करने पर मजबूर कर देगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे शोज के बारे में बताती हूँ जो हेडलाइंस में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आने चाहिए। सबसे पहले आई बिकम अ विलेनस हु गोज डाउन इन हिस्ट्री। जी हाँ, एक और विलेनस इसे कहे। लेकिन रुकिए, यह वास्तव में काफी अच्छा लिखा गया है जो यूजुअल फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है। तीसरे एपिसोड में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसने मुझे सचमुच चौंका दिया था। डीमन लॉर्ड 2099 ऐसा है कि मानो डेमन स्लेयर साइबर पंक 2077 में हो, और किसी तरह यह काम भी करता है। वर्ल्ड बिल्डिंग वास्तव में इनसेन है, और नियॉन लाइट सिटीस्केप में फाइट सीन्स कुछ और ही हैं। और टाइंग द नॉट विद एन अमागामी सिस्टर को न भूलें। ये आपके टिपिकल हारेम शो की तरह शुरू होता है, लेकिन फैमिली ट्रेडिशन और पर्सनल ग्रोथ के बारे में अचानक से थॉटफुल बन जाता है। और अब कुछ क्विक रैपिड फायर शोज की बात करते हैं। टावर ऑफ गॉड सीजन 2 वर्कशॉप बैटल के साथ आ रहा है। शेंग्रीला फ्रंटियर सीजन 2 अभी भी सबसे सेल्फ अवेयर गेमिंग एनिमे है। SAO अल्टरनेटिव गनगेल ऑनलाइन 2 वास्तव में ओरिजिनल सीरीज से बेहतर है। और अब शुरुआत के उन छिपे हुए एनिमे रेफरेंसेस की बात करें, तो क्या आपने उन सभी को समझा? कमेंट्स में अपने जवाब जरूर लिखें। और यहां फॉल 24 एनिमे लाइनअप खत्म होता है। यह सीजन काफी बढ़िया है, लेकिन मेरे पास सब कुछ कवर करने का समय भी नहीं था। क्या आप मेरे द्वारा बताए गए किसी भी शो का फुल रिव्यू चाहते हैं? मुझे कॉमेंट्स में उसका नाम जरूर बताएं। ओह, और वह जबरदस्त सीन याद है जिसका मैंने डंडादान से जिक्र किया था? वो ये रहा। अगर इस वीडियो ने आपको अपने अगले एनिमे ऑब्सेशन ढूंढने में मदद की है, तो लाइक बटन दबाएं और भी ज्यादा सीजनल रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक वीबी बने रहें।